चलो रिक्शा से ही चलते हैं, है ना? वो मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, बस आती ही होगी। तेरे पास दो दो गाड़ियाँ? हाँ, अब तुम लोग को भी तो देर हो रहा होगा ना? नहीं, अब हम तेरी दूसरी गाड़ी देख के ही जाएंगे। क्या करूं, अब गाड़ी कहाँ से लाऊं? देखो आ गई, मैं निकलती हूँ। चलो ठीक है, बाय। लेके कौन है तू? तू बोलेगी या हमारी गन? मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। मेरे दोस्तों पर रोक जमाने के लिए मैंने झूठी मूठी में कह दिया कि ये मेरी गाड़ी है। अगले सिग्नल तक मुझे लिफ्ट दे दीजिए, यहाँ उतर गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज प्लीज। ये लोग तुझे अमीर समझे, तेरे लिए इतना जरूरी है? गरीब को दुनिया चलता करती है और अमीर पूरी दुनिया चलाता है, इसलिए बहुत जरूरी है। दिल को टच कर गई तेरी बात। कहाँ रहती है तू? मैं वो हिल रोड है ना जहाँ सारे रईस रहते हैं, वहीं वहाँ से बहुत दूर स्वामीनाथ आश्रम रहती हूँ। चलो। आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट देंगी? आपको भी तो कहीं जाना होगा ना? अब हमारी और अपनी मंजिल एक ही समझो। बस बस रोक दीजिए, आश्रम आ गया। आपका बहुत बहुत थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। सारे पाप हमारी हथेली पे लिख दिए हैं क्या? इस अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के रहते हैं, अब इनसे इनकी जमीन छीनना हमें बहुत दुख होगा। पर ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, वैसे भी सबके सब अनाथ हैं, पहला दुख देख चुके हैं, रिपीट टेलीकास्ट भी देख ही लें। हाँ छोटे मामा, मॉल के लिए दूसरी जमीन मिल गई है।